तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक से शुरू करेंगे इसमें। तो पहले हम समझ लेते हैं पॉलिनोमियल, मतलब चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में समझ लेते हैं, पॉलिनोमियल होता क्या एक्चुअली। ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वन और मोर टर्म्स। कहने का मतलब पॉलिनोमियल एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक से और एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। टर्म्स का मतलब संख्या। जैसे मान लीजिए चलिए ये देखिए, जैसे यहाँ पे 3 एक टर्म हो गया, ए प्लस बी दो टर्म हो गए। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3, इसमें कुल मिला के कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। इसमें देखिए यू के पावर 6 प्लस 3 यू के पावर 4 प्लस 2 यू प्लस 7, इसमें टोटल कितने टर्म हो गए, 4 टर्म। तो पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, पॉलिनोमियल ऐसी चीज़ है जिसके पास क्या हो, टर्म्स हों। और टर्म्स के बारे में आपको बता दिया मैंने कि ये फर्स्ट टर्म इसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, ये ए प्लस बी दो टर्म है तो इसको बायनोमियल बोलेंगे, इसमें 3 टर्म है तो इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, इसमें 3 से ज़्यादा टर्म उसको तो पॉलिनोमियल डायरेक्ट बोल दीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट जो है हम डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे क्वेश्चन करते के करने के साथ साथ। जैसे हम अगर एक्सरसाइज शुरू करते हैं उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से उसको कॉन्सेप्ट को हम क्या बताएंगे आपको, और कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे और क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 की पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पी एक्स इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता है नंबर ऑफ सोल्यूशन। जीरोज जीरोज क्या होता है, जीरोज इक्वल टू आपका क्या कह सकते हैं, सोल्यूशन। जीरोज किसके बराबर होता है, सोल्यूशन के बराबर होता है। जीरोज होता है सोल्यूशन के बराबर। तो या तो आप जीरोज करिए या तो सोल्यूशन करिए। तो इसमें बताना है आपको y इक्वल टू पी एक्स लिखा है। अगर देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है। y इक्वल टू पी एक्स अगर यहीं पे रहता है, x इक्वल टू p मतलब पॉलिनोमियल पी वाई होता, तो हम जब भी देखते हैं ये हमारा जो कार्टिशन प्लेट है या प्लेन है, इस पर हम देखेंगे कि x और y एक्सिस पे कौन सी लाइन किधर से उसको बाइसेक कर रही है या कट कर रही है या टच कर रही है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे x इक्वल टू पी वाई होता तो हम देखते हैं कि y एक्सिस पे कौन सी लाइन कितनी बार टच कर रही है। लेकिन ये y इक्वल टू पी एक्स है तो हम ये देखेंगे कि x एक्सिस पे लाइन कितनी बार टच कर रही है, वही हमारा क्या होता है, जीरो ही होता है। टच करे चाहे उसको कट करे या बाइसेक्ट करे, जो भी करे, इंटरसेक्ट करे, सब क्या होता है, वही उसका सोल्यूशन होता है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये लाइन है। ये लाइन एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं कर रही है। एक्स एक्सिस हमारा ये है, अगर इस एक्स एक्सिस को ये लाइन एक बार भी टच नहीं कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को वो लाइन एक बार भी टच नहीं कर रही, क्योंकि वाई इक्वल टू पॉलिनोमियल एक्स पूछा है, तो एक्स एक्सिस पे एक बार भी टच नहीं कर रही तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को ये वाली जो लाइन है कितनी बार टच कर रही है, ये वाली लाइन ये एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रही है बस यहाँ पे, और कहीं टच कर रही है नहीं, ये जब टच कर रही है किसके पे, वाई एक्सिस पे, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही है, टच कर रही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, अब ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब हमको इसमें देखना है कि जो हमारी लाइन दी हुई है, ये वाली जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। देखो यहाँ पर पहली बार टच कर लिया, ये देखिए वाई एक्सिस पर टच किया तो इसको काउंट नहीं करेंगे, फिर एक्स एक्सिस को यहाँ टच कर लिया, फिर एक्स एक्सिस को यहाँ टच कर लिया, तो कितनी बार टोटल टच किया, 1 2 3 तीन बार। तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 3, क्योंकि तीन बार वो लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है, किसके हिसाब से, वाई इक्वल टू पी एक्स के हिसाब से। फिर फोर्थ वन देखिए इसका, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, लाइन या कर्व बोल सकते हैं, लाइन नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है, ये कर्व हो सकता है, लाइन हो सकता है, लाइन सेगमेंट हो सकता है। तो देखिए ये कितनी बार टच कर रही है, एक बार यहाँ टच हुआ, एक बार यहाँ टच हुआ, दो बार। तो एक्स एक्सिस को टच करने वाली ये जो कर्व है या लाइन है कितनी बार टच कर रही है, दो बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2। देखिए बात यहाँ ध्यान देनी है कि ये इधर वाला पॉजिटिव होता है
इधर वाला नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, लेकिन इससे इसका कोई लेना देना नहीं कि पॉजिटिव की तरफ कट कर रहा है या नेगेटिव की तरफ कट कर रहा है। सॉल्यूशन चाहे पॉजिटिव की तरफ कट करे चाहे नेगेटिव की तरफ कट करे, सॉल्यूशन वो काउंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा। इसमें देखिए हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब देखिए इस ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, जो जितनी बार गई है लाइन सेगमेंट है, जो भी लाइन है, ये कितनी बार एक्सिस को कट करी, एक बार हो गया, दो बार हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वाई एक्सिस पे है, तीन बार हो गया, चार बार हो गया। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन या नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस वाले में एक्स एक्सिस ही हमारा है, वाई एक्सिस ही हमारा। देखिए इसमें ये जो कर्व गया है, ये एक बार यहाँ पे कट किया है, यहाँ टच किया है, यहाँ भी टच किया, तो टच करे या कट करे सबको काउंट करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, एक दो और तीन। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, थ्री, क्योंकि एक बार यहाँ, दो और तीन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज थ्री। तो इस तरह से हमने 2.1 का पहला क्वेश्चन देख लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में, धीरे धीरे सीखेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी।